हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 8:45 और घर की जितनी भी मॉर्निंग की क्लीनिंग होती है, यानी कि झाड़ू पोछा वगैरह, वो सब मैंने कर लिया है। डस्टिंग मेरी बेटी ने कर दी थी और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मीठा दलिया। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर दलिया भून रही हूँ और एक तरफ मैंने गैस पर यहाँ पर रख दिया है घी बनने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोनों काम हो रहे हैं, एक तरफ मेरा घी बन रहा है और दूसरी तरफ मैं दलिया भून रही हूँ। बेटा भी मेरा सोया हुआ है। इसी तरीके से मेरे जितने काम साथ के साथ निमट जाएं, वो मैं साथ के साथ कर लेती हूँ। और यहाँ की मैंने लाइट जला दी थी, तो यहाँ पे देखिए पिल्लो जो है वो मुंह पे रखे सो रहा है। और ये हम तीनों की आदत है, यानी कि मेरी और मेरे दोनों बच्चों की। मैं भी अगर ऐसे लेटती हूँ और कोई लाइट जला दे दिन में, जैसे दोपहर में तब रेस्ट का टाइम होता है, तो उस टाइम मैं ऐसे ही पिल्लो मुंह पे रख लेती हूँ। और मेरे दोनों बच्चों की भी आदत मेरे जैसी ही हो गई है। और यहाँ पे मैं इसको उठाने की कोशिश भी कर रही थी। और मैं दलिया बनने के लिए रख आई हूँ गैस पे, और एक तरफ मेरा घी भी चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे पसीने भी आ रहे थे। और आज मुझे बनानी है सब्जी सीताफल की, तो मैं यहीं पे ले आई थी काटने के लिए। तो मैं इसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ, तो देखो इसको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, और ये अभी उठने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। बार बार मैं मतलब तकिया हटाने की कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन ये अपने मुँह पर रख के, और उस तरफ देखिए इसने करवट ले ली है, लेकिन उठने के मूड में अभी बिल्कुल भी नहीं है। बेटे को मैंने थोड़ी देर और सोने दिया, क्योंकि अब तो स्कूल खुल जाएंगे। और यहाँ पे नहा धो के अब मैं कर रही हूँ मॉर्निंग की पूजा। पूजा करने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और मैंने यहाँ पे अब दोपहर के लिए सब्जी भी छोक दी है। इतने मेरी सब्जी भी बन जाएगी। बेटा भी उठ गया है ब्रेकफास्ट करके, वो भी नीचे चला गया था खेलने के लिए, और जब तक वो खेलेगा तब तक मैं अपने और काम निपटा लूँगी। और ये देखिए मेरी बेटी यहाँ पे पढ़ रही थी, तो वो अब नहाने गई हुई है। और ये इस तरीके से मैंने घर की क्लीनिंग करके अपनी जो बेडशीट वगैरह है वो भी झाड़ के फिर से बिछा दी है, क्योंकि बेटा उठ गया था। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा मॉर्निंग का सारा काम निमट गया है। अभी मुझे बस दोपहर की रोटी बनानी है। और बारिश का हो गया है यहाँ पे मौसम, बारिश आने भी लगी है हल्की हल्की। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर। तो मौसम काफी अच्छा हो गया है। अगर ये थोड़ा सा पहले आ जाती, क्योंकि अब बज रहे हैं दोपहर के 2, और थोड़ा सा अगर पहले आ जाती तो शायद हम आज कहीं घूमने चले जाते, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कहीं घुमा लो, कहीं घुमा लो, मॉल वगैरह। तो और जगह जाने से अच्छा मुझे मॉल ही लगता है, क्योंकि वहाँ पे ठंडक में आराम से बच्चे घूम लेते हैं। और इस बार जो है बच्चे नाना नानी के यहाँ भी नहीं जा पाए हैं, क्योंकि बेटी का मैंने कोचिंग लगवा दिया था, क्योंकि पढ़ाई भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस गर्मी में मैंने सोचा कि इस गर्मी में जाने से अच्छा है जब कभी ठंडा सा थोड़ा मौसम होगा तब मैं जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे जाके भी हम अंदर ही रहते हैं, बच्चे वहाँ भी नहीं घूमने जा पाते हैं, यहाँ से भी नहीं जा पाते हैं। तो मैंने सोचा अगर वहाँ थोड़े ठंडे मौसम में जाऊँगी 1-2 दिन के लिए, तो कहीं घुमा के ला सकती हूँ मैं बच्चों को। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि एक फ्लावर पॉट मैंने बनाया था काफ़ी टाइम पहले, तो वो जो है मेरे बेटे ने, उसमें मैंने चिड़ियाँ लगाई थी। पहले मैंने पिस्ते से फूल बनाए थे और फिर मैंने चिड़िया लगाई थी उसमें अपने हाथ से बना के। तो ये वाला, ये देखिए, तो इसमें आज मुझे फ्लावर लगाने हैं। मैंने बेटी से बनवाए हैं फ्लावर, तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आज मैं इसको सोच रही थी कि जो मेरे पास दोपहर का फ्री टाइम है थोड़ा सा, मैं इसे आज काम को निपटाऊँगी। और ये देखिए यहाँ पे मेरी बेटी बना रही है क्ले से बहुत ही सुंदर सा गुलाब का फूल। और मेरी बेटी को बहुत सारी चीज़ों से बहुत तरह के फ्लावर बनाने आते हैं, तो मैंने उसको बोला है मुझे 5-6 फूल ऐसे ही बना के दे दो, जो मैंने अभी आप लोगों को फ्लावर पॉट दिखाया था मुझे उसमें लगाने हैं। और मैंने सोचा भी नहीं था एक क्ले से इतना सुंदर सा फूल बन के रेडी हो सकता है। तो ऐसे खेल खेल में मेरी बेटी ने एक फूल बना के दिखाया मुझे गुलाब का क्ले से, जो मैं अपने बेटे के लिए खेलने के लिए लाई थी कलरफुल क्ले, आप लोगों को मैंने दिखाई भी थी अपने पहले वाले व्लॉग में, तो उसी से ये बनाया है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है।
तो मैंने उसको बोला क्ले से ही मुझे 5-6 फ्लावर बना के दे दो ताकि मैं अपने फ्लावर पॉट में लगा सकूं। और ये वीडियो मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के स्कूल में बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिविटी के लिए सिखाई जाती हैं, बनवाई जाती हैं, तो कुछ बच्चे इस चीज़ का लाभ उठा सकें, कुछ बच्चे इस चीज़ को सीख सकें। तो मैं यही चाहती हूँ कि अपनी वीडियो में कुछ ऐसा दिखाऊँ जिससे कुछ सीख सकें। और बच्चे भी कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक क्ले से भी इतना सुंदर फूल बनाया जा सकता है। और ये देखिए, मेरे बेटे को लग रही है कि कैसे भी करके मैं क्ले ले लूँ और मैं भी कुछ ना कुछ बनाऊँ। तो यहाँ पे उसने क्ले पैर के नीचे छुपा लिया, बहुत कोशिश कर रहा है वो निकालने की, कभी इधर से कभी उधर से। तो मैं भी उसको मना कर रही हूँ कि अभी फूल बनाने दो। तो उसको क्ले हम अलग दे दिए, लेकिन उसको लग रहा है ये येलो कलर ही मुझे चाहिए। तो जैसे ही सारे फूल बनके रेडी हो जाएंगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी फ्लावर पॉट में भी लगाने हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा सूखने के लिए टाइम चाहिए। तो ये देखिए, क्ले से हमारा फ्लावर बनके रेडी हो चुका है और सच में बिल्कुल असली का लग रहा है, कोई कह ही नहीं सकता ये क्ले से बनाया। सच में बहुत खूबसूरत बनाया मेरी बेटी ने। तो जब तक मेरी बेटी और फ्लावर बना रही है, तब तक मैं यहाँ पे काट रही हूँ पकौड़ों के लिए प्याज। और मैं बाहर इसलिए काट रही हूँ ताकि मेरी आंखों में झल ना लगे, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है। और ये देखिए, मेरा बेटा भीग चुका था बारिश में, तो इसके मैंने सबसे पहले कपड़े चेंज किए हैं। इसको सिर्फ मौका चाहिए भीगने का। और पकौड़े खा के हम लोगों ने आज दोपहर में रेस्ट किया, और अब मेरे बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, रात का टाइम है, अब मैं बनाऊंगी खाना। काम करके बात करोगे? क्या लिख रहे हो? भैभालू। चोना तो छाप छाप लिख रहा है भाई। वेरी गुड। अब मैं खाना बना लो, आप दोनों काम कर लो, ठीक है? फिर मैं लर्न करवाऊंगी आपको 2 का टेबल, है ना? दर्द हो रहा है। चलो मैं भी दवाई लगा दूंगी, अभी आप काम कर लो फिर। अच्छा, मैं पट्टी बांध दूंगी फिर आपको दूसरी वाली। दूसरी वाइट वाली देखूंगी, अगर होगी तब ये बैंडेड लगा लो। मैं लगा दूं? वेरी गुड, सब काम आता है सब, है? चलो कर लो आप, मैं खाना बना रही हूँ, है? और ये मेरी अगले दिन की वीडियो है, क्योंकि उस दिन तक फूल सूखे नहीं थे, गीले ही थे, और मैं गीले ही लगाती तो वो टूट जाते और या फिर मुड़ जाते, तो अच्छा सा लुक नहीं आता बिल्कुल भी। इसलिए मैंने इनको प्रॉपरली सूखने दिया और आज मैं लगा रही हूँ। उस दिन बस हमने खाना खाया, बारिश आ गई थी तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, ठंडा हो गया था, इसलिए हम छत पे घूमने चले गए थे। और यहाँ पे बेटा मेरी हेल्प करवा रहा है, इसको हर चीज़ में लगता है कि मैं कुछ भी करूँ कि ये चीज़ मैं करवाऊँ, ये चीज़ मैं करवाऊँ। इसको बहुत सारी चीज़ों का इसी तरह का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ पे मैंने इसको बोला है कि बस आप नीचे से पकड़ लो ताकि वो हिले ना। तो यहाँ पे देखिए, एक हाथ से उसने पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मुझे फ्लावर पकड़ाता जा रहा है।
और ये मेरी बेटी का खेलने का एक गुड्डा था। नीचे से ये सारा खराब हो चुका था, लेकिन ये सिर इसका बच रहा था, तो थोड़ा सा मैंने दिमाग लगा के इसका फ्लावर पॉट बना दिया। और ये एक ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जो धूप में भी रखेंगे तो ये कभी भी खराब नहीं हो सकता, और मैंने इसलिए इसको इस तरीके से बना दिया। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो थोड़ा सा आप फेंकने की बजाय अपना माइंड लगा के कुछ भी अच्छा सा बना सकते हैं। तो हमारी दिव्या मैडम का ड्रामा जो है वो ख़त्म हो चुका है, और जिस ब्लॉगर के ऊपर मैंने यहाँ पे आज तक रिएक्शन दिए हैं, कोई भी ब्लॉगर आप मुझे बता दीजिए जिसने थोड़ी सी भी अपने वीडियो में क्रिएटिविटी दिखाई हो, सिर्फ ड्रामा झूठ ये सब ही दिखाते हैं या घर के झगड़े, तो इनका काम जो है उसी से चलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करूँ।